तो कैंसिल करा दी कंप्लेंट। तो चलो अभी घर बताता हूँ आपको क्या हुआ सीन, कैसा हुआ, अगर जिसको पता नहीं है। जब तक मैंने बोला कि मैंने कंप्लेंट लिखा के आया हूँ, तेरा उसमें फ़ोन नंबर भी आया, ये सब वो हुआ है, दैट्स व्हाई मैं तेरे पास आया हूँ। तो उसने बोला सॉरी यार, गलती हो गई, ऐसा वैसा। व्हाट्स अप पीपल, मैं हूँ जीतू जारानी, आप देख रहे हैं इंडियन व्लॉगर जीतू। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @जीतूजारानी7। तो आज हम लोग जाने वाले इंटरनेट कैफे बोल रहा हूँ, सॉरी साइबर कैफे, बिकॉज बहुत लोग जो मुझे पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा कि मेरा चैनल हैक हो गया था। सो आज उसकी आपको आगे बताता हूँ, इंट्रो के लोग मजे, उसके बाद करते हैं बातचीत। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Well, अभी मैं जा रहा हूँ साइबर कैफे फॉर दैट फाइनल रिजल्ट। तो मतलब रिजल्ट तो मुझे पता ही है, लेकिन आपको आखिरी में पता चलेगा, बिकॉज थोड़ा बहुत सस्पेंस भी होना चाहिए, वीडियो का एक व्लॉग भी बन जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। सो अब तक के आप लोग स्लो ब्लैक के मज़े, ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं करेंगे, 4-5 मिनट का करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। सो चलो, कंप्लेंट क्लोज करवा दिए, ऊपर फाइल करवाई थी 17th of May को। सो पकड़ा गया वो, एंड कंप्लेंट जो थी वो मैंने कि कैंसिल करवा दी, बिकॉज मुझे पता था कौन है एंड मुझे कोई एक्शन नहीं लेता था। उसने सॉरी वॉरी बोल दिया, तो मम्मी ने बोला ठीक है रहने दे, तो कैंसिल करा दी कंप्लेंट। तो चलो अभी घर बताता हूँ आपको क्या हुआ सीन, कैसा हुआ, अगर जिसको पता नहीं है, जब तक बने रहो ब्लॉग में। सो मैंने जो है अपनी कंप्लेंट वापस ले ली, बिकॉज मुझे पता था कि कौन है, मुझे बाद में पता चला। एक्चुअली मैंने 17th of May जो है उस पर मैंने कंप्लेंट लिखवाई थी, एंड आज है 20th of August, ठीक है। सो इस ड्यूरिंग 17 से पहले मेरा चैनल हैक हुआ था, 16th of May को मेरा चैनल हैक हुआ था। सो मैंने अपने चैनल की रिपोर्ट लिखाई थी जाके साइबर सेल में कि मेरा चैनल हैक हो गया है। सो उन्होंने बोली कि ऐसे आसानी से हैक तो होता नहीं है, तो मेरा चैनल हैक कैसे हुआ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे हैक हुआ। मेरा चैनल जो है मैंने अपने फ्रेंड के इसमें खोल के रखा था अपना चैनल। सो उसने मेरा चैनल को क्या किया, उसने क्या, उसके मन में पता नहीं क्या चल रहा था, ईगो जो रहता है या जेलसनेस, जो भी जेलस होते हैं या जो कुछ कर नहीं पाते या जो भी होगा मैटर। सो उसने मेरी कम से कम 10 वीडियोज़ डिलीट की ऑफ माई चैनल, जो कि प्रैंक वीडियोज़ थी सारी की सारी, जिसमें कि इंक्लूडेड मेरी ट्रेंडिंग वीडियोज़ थी, जैसे कि जिसमें 9 लाख व्यूज़, 1 लाख व्यूज़, 5 लाख व्यूज़, 6 लाख व्यूज़, जो मेरी सबसे पहली प्रैंक थी एक्सीडेंट प्रैंक, जिसमें 1 मिलियन व्यूज़ थे, तो वो भी उसने डिलीट कर दी, ठीक है। एंड स्टिल दैट वीडियोज़ वर ग्रोइंग, एंड ऐसा नहीं कि उस वो बस स्टक हो गई थी, उसमें व्यूज़ नहीं आ रहे थे, बट वो और ही हर महीने उसमें 50,000, 60,000, 1 लाख व्यूज़ आते थे। सो ऐसे मेरा चैनल हैक हुआ, उसके इसमें मेरे लॉगिन था, चैनल भरोसा रहता है, भरोसा करके लॉगिन किया, तो मेरे दिमाग में आया कि यार मैंने इसके इसमें तो लॉगिन करके रखा है। सो मैं गया, उसका फ़ोन चेक किया, एंड उसके इसमें अभी भी लॉगिन था, तो मैंने उसको बोला तूने ऐसा क्यों किया, क्योंकि डायरेक्ट 100% मैं हो गया था कि उसने हैक किया है, ठीक है। सो बस मैंने उसको बोला, उसने पहले नहीं बोला, फिर बाद में मैंने बोला कि मैंने कंप्लेंट लिखा के आया हूँ, तेरा उसमें फ़ोन नंबर भी आया, ये सब वो हुआ है, दैट्स व्हाई मैं तेरे पास आया हूँ। तो उसने बोला सॉरी यार, गलती हो गई, ऐसा वैसा। उसने मेरी मम्मी को भी सॉरी बोला, सबको सॉरी बोला। मम्मी ने बोला ठीक है रहने दे, अभी जो हुआ हुआ, अभी अपन कुछ कर भी तो नहीं सकते, पहचान का था इसलिए मैंने कंप्लेंट नहीं लिखाई, वरना पता ही है आपको क्या होता है, जेल होती है, और ये जो साइबर क्राइम वाले रहते हैं छोड़ते नहीं हैं। सो मैंने अपनी जो है रजिस्टर कराई थी 17 मई को, एंड उसके बाद में मैंने कब, एक हफ्ता पहले अभी मैंने अपनी कैंसिल करवाई, हो तो बहुत पहले ही गया था सॉल्व, तो सर को मैंने बता दिया था, लेकिन सर ने बोले कि आप ऑनलाइन व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिए कि आपकी कंप्लेंट नंबर एंड आपका कि आपको क्लोज करानी है, तो मैंने वो करवाया, बट ही स्टिल उनने यही बोला कि आप आइए एंड अपनी एप्लीकेशन लिख के दीजिए, जो कि आपको यहाँ रिटर्न में देनी पड़ेगी। तो मैं वहाँ अभी गया था, एप्लीकेशन लिख के आया एंड सर को दे दिया, कुणाल सर ने मेरी एप्लीकेशन ली थी, एंड अभी कोई तो भी एक सर थे, उनने मेरी कंप्लेंट क्लोज कर दी, मतलब अभी प्रोसीजर चालू होगा एंड जो मेरी रजिस्टर्ड है वो कैंसिल हो जाएगी। सो आज के ब्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही, नॉर्मल सिंपल शॉर्ट व्लॉग, जिसको पसंद आया वो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड फर्स्ट टाइम मैं ये कैमरा लेके व्लॉग कर रहा हूँ, बिकॉज अभी नया कैमरा है। सो आपको क्वालिटी ज़रूर बताना कि वीडियो की कैसी क्वालिटी है, एंड हाँ मैं अपना दूसरा चैनल खोलने वाला हूँ, जिसमें मैं व्लॉग निकालूंगा, अभी वाले चैनल पे मैं प्रैंक्स ही निकालूंगा मम्मी के ऊपर या पब्लिक प्रैंक्स, और दूसरे चैनल पे जो है मैं वहाँ पर सिर्फ व्लॉग्स दिखाऊंगा। तो आपको मैं लिंक दे दूंगा फ्यूचर वाली वीडियो, आने वाली वीडियोज़ में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन एक बार चेक कर लो, बिकॉज बहुत लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जा रही है। बाय, टेक केयर, टेंशन लेने का नहीं देने का, मिलते हैं ऐसे ही दूसरे व्लॉग में, बाय।